सो मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम स्टूडेंट्स का एक ग्रुप देखते हैं जो कि अपने एनुअल कैंप रिट्रीट के लिए चर्च कैंप के लिए जा रहा था। उन लोगों के साथ उस कैंप का डायरेक्टर डग भी था। वहीं हमें एक जनरल स्टोर के बाहर डॉक्टर पीटर को दिखाया जाता है जिसने उन फ्रेंड्स की बस को गुजरते हुए देख लिया था। वो उस बस की फ़ोटो क्लिक कर लेता है और अंदर जाके जनरल स्टोर के मालिक को फ़ोटो दिखाते हुए पूछता है कि वो बस कहाँ जा रही थी। तब स्टोर ओनर उसे बताता है कि स्कूल तो आजकल बंद है तो बस पक्का चर्च कैंप पे जा रही होगी। अब ये सुन के डॉक्टर थोड़ा परेशान हो जाता है। वो उस शॉप से बहुत सारा एमो खरीद लेता है। वहीं वो फ्रेंड्स चर्च पहुंच जाते हैं और वहां उनका वेलकम करते हैं डक के कैंप असिस्टेंट डायरेक्टर थेरेसा और वहां का कुक रेजी। एक्चुअली वो सब फ्रेंड्स वहां एक क्रिश्चियन फेस्टिवल सेलिब्रेट करने आए थे जो कि पूरे 40 डेज तक चलने वाला था। फिर उन फ्रेंड्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और उनको काम में लगा दिया जाता है। उनके ड्राइवर लियोन उनको वहाँ छोड़ के जाने लगता है पर रास्ते में उसे दो फ्रीलांसर्स मिल जाती हैं जिन्हें वो अपनी बस में बैठा लेता है। इसके बाद वो बस एक सुनसान जगह पर रोक देता है पर इतने में वहाँ लंबरजैक मैन आ जाता है जो कि हमारी स्टोरी का मेन विलन था और हम देखते हैं कि उसके पास बहुत बड़े पैनकेक्स भी थे। इसके बाद लंबरजैक मैन अपने हैचेट से उन दो फ्रीलांसर्स की गर्दन काट देता है और एक स्पीयर लियोन के सर के आर पार करके बस की छत से निकाल देता है। इसके बाद वो तीनों के ब्लड्स को अपने पैनकेक्स में लगा देता है। सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें फेथ को दिखाया जाता है जो अपनी फ्रेंड्स के साथ काम के लगी हुई थी। तभी फेथ को लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। ये चेक करने के लिए फेथ आगे बढ़ती है और वो देखती है कि वो कोई और नहीं उसका ही फ्रेंड अर्नी था। फिर उसको वहाँ से डरा के भगा देती है। वहीं दूसरी तरफ जॉफ और केलन को भी तबेला साफ करने का काम मिला था और इसलिए वो दोनों वहाँ से कहीं और जाना चाहते थे पर उन पर निगरानी रखने के लिए डग ने वहाँ रेमंड को छोड़ा था। पर वो इसका भी सॉल्यूशन निकाल देते हैं। वो रेमंड को वीट पिला देते हैं जिससे उसे बहुत नशा हो जाता है और वहाँ पड़े दो पुतलों को वो जेफ और कैलन समझने लगता है पर असलियत में जेफ और कैलन वहाँ से भाग गए थे। रेमंड को बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है। उसे ये भी सेंस नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तभी वहाँ पे लंबरजैक मैन आ जाता है और वो रेमंड इतना हाई था कि उसे लंबरजैक मैन की जगह एक लड़की दिखती है। वो उसके पास जाके उसके बाल अजीब तरीके से सूखने लगता है। लंबरजैक मैन और गुस्सा हो जाता है और अपने एक हाथ से उससे ऊपर उठा के दूसरे हाथ से उसका सर उसकी बॉडी से अलग कर देता है और इसके बाद उसका ब्लड भी वो अपने पैनकेक्स में लगाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर पीटर उस एरिया की हेड पुलिस ऑफिसर लुआन के पास जाता है और उसे बताता है कि उस टाउन को उन्हें जल्द ही खाली करना पड़ेगा और बताता है कि वहाँ लंबरजैक मैन घुस आया है जो कि सब लोगों को मारने वाला है। ये सुन के लुआन डॉक्टर को पागल समझती है क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर चल क्या रहा है। वो अपने असिस्टेंट से डॉक्टर को बाहर निकालने के लिए बोलती है। इसके बाद डॉक्टर लुआन को कुछ पुराने न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता है और कहता है कुछ सालों से इसी टाइम पे यहाँ पे मैसेकर हो रहे हैं जहाँ बहुत लोग गायब हो जाते हैं और अगर वो इस मैसेकर को रोकना चाहते हैं तो उसे जल्दी ही ये एरिया खाली करवाना पड़ेगा। लेकिन लुआन को डॉक्टर की बातें कुछ समझ नहीं आ रही थी और वो डॉक्टर पीटर को वहाँ से बाहर निकाल देती है। डॉक्टर पीटर को पुलिस से कोई हेल्प नहीं मिलती इसलिए वो खुद ही कैंप चले जाता है। वहीं अर्नी अब कर्टनी और कैंड्रा को स्टॉक करने लगता है। तभी वहाँ लंबरजैक मैन आ जाता है और एक पेड़ काट के अर्नी के ऊपर गिरा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसका ब्लड भी उन पैनकेक के ऊपर गिर जाता है। दूसरी तरफ जेफ और कैलन कर्टनी और कैंड्रा के पास ही आ रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में फेथ मिल जाती है जो कि खाना खाने के लिए जा रही होती है। जेफ फेथ के साथ चले जाता है और केलन कर्टनी और केंड्रा के साथ चल देता है। तभी लंबरजैक मैन उनके ग्रुप के एक और लड़के को मार देता है जो कि डैनियल का बॉयफ्रेंड था और उसके बाद वो उसका सर डैनियल के आगे फेंक देता है। डैनियल बहुत डर जाती है पर लंबरजैक मैन उसकी हड्डियाँ तोड़ मरोड़ कर उसे एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और उसके ऊपर अपना पैनकेक रख के खाने लगता है। लेकिन लंबरजैक को ये टेबल पसंद नहीं आता इसलिए वो डैनियल को पकड़ के एक पेड़ से पटक देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ लुआन डॉक्टर की बातें सोच के और उसके द्वारा दिखाई हुई न्यूज़पेपर कटिंग देख के परेशान हो रही थी तो वो अपने असिस्टेंट को
और उनके लोगों के पास भेज देती है। उसके असिस्टेंट के जाने के बाद लुआन को बाहर से किसी की आवाज़ आती है। वो अपनी गन लेके बाहर चेक करने जाती है, लेकिन बाहर उसे कोई नहीं मिलता। पर जैसे ही वो अंदर आने लगती है, उसके सामने लम्बरजैकमैन आ जाता है। वो लुआन को उठा के पटक देता है। लुआन अपनी सारी बुलेट्स लम्बरजैक पे खाली कर देती है, जिसके बाद लम्बरजैक नीचे गिर जाता है और ऐसा लगता है कि मानो वो मर गया है। पर लुआन यहाँ पे कोई रिस्क नहीं लेती। वो एक और मैगजीन लम्बरजैक पे खाली कर देती है। इसके बाद वो अंदर जाके हेल्प के लिए पुलिस को कॉल करती है, लेकिन तभी लम्बरजैक उठ जाता है और एक हैचेट लुआन की कमर में घुसा देता है। लेकिन लुआन यहाँ पे हार मानने वाली नहीं थी। उसके हाथ में जो लग रहा था वो लम्बरजैक मैन की तरफ फेंक रही थी, पर लम्बरजैक को कोई असर नहीं हो रहा था। तभी लुआन के हाथ में एक सिरप से भरा हुआ कप लगता है, और जैसे ही वो ये लम्बरजैक की तरफ फेंकती है तो लम्बरजैक की स्किन जलने लगती है और वो चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाता है। लम्बरजैक भागते हुए कैंप में घुस जाता है, जहाँ जेफ कर्टनी और कैंड्रा के साथ पार्टी कर रहा था। लम्बरजैक के आते ही कर्टनी और कैंड्रा भाग जाते हैं, पर जेफ को लम्बरजैक बेरहमी से मार देता है। कर्टनी और कैंड्रा थोड़े आगे ही गए थे, तभी कैंड्रा एक ट्रैप में फंस जाती है और पेट से उल्टा लटक जाती है, लेकिन कर्टनी उसकी हेल्प नहीं करती और उसे क्लच छोड़ के वहाँ से चली जाती है। तभी लम्बरजैक आके कैंड्रा के सर में हथौड़ा घुसा के उसे मार देता है और उसका खून भी वो अपने पैनकेक्स में डाल देता है। यहाँ हम एक बार नोटिस करते हैं कि पैनकेक्स हल्के हल्के कम हो रहे थे, मतलब कि वो इनका ब्लड सिरप की जगह यूज़ करके पैनकेक्स खा रहा था। अभी कर्टनी थोड़ा आगे ही गई थी कि लम्बरजैक मैन उसे भी पकड़ लेता है और अपने बड़े से पैनकेक से उसे कुचल कुचल के पूरी तरीके से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर पीटर भी कैंग में पहुंच जाता है और वो सबको वहां से जाने के लिए कहता है, पर वो डॉक्टर की नहीं सुनते। तो फिर वो डॉक्टर उन लोगों को एक स्टोरी सुनाता है और यहाँ हमें लम्बरजैक मैन की हिस्ट्री पता लगती है। तो हुआ यूँ था कि 1892 में एक कंपनी का ओनर जेडी जैक्सन शिकार के लिए जंगल में निकलता है और अचानक से उसे बहुत अच्छी खुशबू आती है। वो उस खुशबू का फॉलो करता है और उसे एक घर मिलता है जहाँ ईस्टरडे नाम का एक लम्बरजैक रहता था और वो पैनकेक्स बना रहा था। वो जैक्सन को भी पैनकेक्स खिलाता है और वो पैनकेक सच में बहुत टेस्टी थे। जैक्सन ने ये अपनी पूरी लाइफ में ऐसे पैनकेक्स नहीं खाए थे। तभी उसे पैसों का लालच आ जाता है और वो लम्बरजैक को कुछ पैसे देता है और इसके बदले वो उसे पैनकेक की रेसिपी मांगता है, लेकिन लम्बरजैक उसे मना कर देता है क्योंकि ये उसकी फैमिली रेसिपी थी और मरते दम तक वो ये रेसिपी किसी और को नहीं दे सकता था। ये सुन के जेडी जैक्सन गुस्सा हो जाता है और उसके मुँह गर्म सिरप में डाल के उसे मार देता है और उसकी रेसिपी चुरा लेता है और अपनी खुद की कंपनी खोल के बहुत अमीर हो जाता है। लेकिन 30 साल बाद लम्बरजैक अपनी कब्र से बाहर निकल जाता है और जो भी उसके सामने आता है वो उसे मार देता है। और बचपन में डॉक्टर पीटर को भी लम्बरजैक मारने वाला था, पर वो किसी तरीके से बच गए थे। डॉक्टर की ये स्टोरी सुन के कोई उसकी बात पे विश्वास नहीं करता और कहते हैं कि वो पागल है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन डॉक्टर जाते जाते कहता है कि अगर लम्बरजैक ने अपने सारे पैनकेक ख़त्म कर लिए तो वो बहुत ही पावरफुल और ख़तरनाक हो जाएगा, और फिर वो डॉक्टर वहाँ से चले जाता है। डॉक्टर अपनी कार में बैठ के जा ही रहा था तभी सामने से इंजर्ड लुआन आ जाती है। लुआन कुछ भी बोल नहीं पा रही थी और लुआन को देख के डॉक्टर समझ जाता है कि उसकी हालत लम्बरजैक ने किया होगा। वो लुआन को अपनी कार में बिठा देता है, पर लुआन सिर्फ एक ही वर्ड बार बार रिपीट कर रही थी और वो था सिरप। वहीं दूसरी तरफ लुआन के असिस्टेंट को रोड पे पड़े हुए कुछ बड़े बड़े पैनकेक्स मिलते हैं और वो उनको खाने लगता है। तभी लम्बरजैक आके उसे भी मार देता है और उसके ब्लड से पैनकेक्स को अच्छी तरीके से भिगा लेता है। वहीं कैंप में भी सब लोग पैनकेक्स ही खा रहे थे, पर उनके पास सिरप नहीं था क्योंकि किसी ने सिरप का डिब्बा गायब कर दिया था। पीटर एक पैनकेक उठा के खाने लगता है, पर असली में वो पैनकेक नहीं था, वो हार्नी के फेस की स्किन थी जिसे देख के वो सब डर जाते हैं। तभी वहाँ लम्बरजैक भी आ जाता है और अब उन सबको डॉक्टर की बातें सच लगने लगी थी। लम्बरजैक आते ही एक हैचेट फेंक के उनकी एक फ्रेंड जैकलिन को मार देता है। वो सब जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन लम्बरजैक एक एक करके सबको मारने लगता है। रेजी, जेफ, फेथ और डक खुद को किचन में लॉक कर लेते हैं और किसी और के लिए डोर नहीं खोल रहे थे। लम्बरजैक किचन के बाहर सभी लोगों को मार के किचन का डोर तोड़ देता है। तब वो सब लोग वहाँ से भागने लगते हैं। रेजी और फेथ तो भाग लेते हैं, लेकिन जेफ मारा जाता है। रेजी और फेथ जाके कहीं छिप जाते हैं। अभी उन्हें किसी के फुटस्टेप्स आते हैं और वो दोनों
अपने हथियार लेके उसे मारने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर वो आदमी कोई और नहीं डॉक्टर पीटर था जो उनको बचाने आया था। डॉक्टर ने बताता है कि वो लोग लंबा जैक को सिर्फ सिरप से ही मार सकते हैं। तभी डग भी वहाँ आ जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन लंबा जैक उसे भी मार देता है। वो लोग ये सोच रहे थे कि एक पैकेट से वो इतने ख़तरनाक लंबा जैक को कैसे मार सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा टेंशन वाली बात ये थी कि कहीं लंबा जैक अपने पैनकेक सारे ख़त्म ना कर दे। तभी हमें दिखाया जाता है कि लंबा जैक ने अपने सारे पैनकेक्स ख़त्म कर दिए हैं, मतलब वो और भी पावरफुल और ख़तरनाक हो चुका है। फेथ वहाँ से एक चेनसॉ उठा लेती है और लंबा जैक को मारने उसके घर पे पहुँच जाती है और उसके साथ रेजी भी आ जाता है, पर उनके चेक करने पर उन्हें वो घर खाली मिलता है। तभी एक बर्नर फटता है और उसके अंदर से लंबा जैक निकलता है। उसे देख के रेजी फेथ के हाथ से चेनसॉ खींच लेता है, पर सही टाइम पे चेनसॉ स्टार्ट नहीं होता और लंबा जैक उनको मारने ही वाला था। तभी वहाँ शेरिफ आ जाता है। इसके बाद लंबा जैक शेरिफ को भी मार देता है। शेरिफ को मारने के बाद लंबा जैक फेथ पे अटैक करता है और उसकी फिंगर्स भी काट देता है। तभी वहाँ डॉक्टर पीटर आके अपनी शॉटगन से उस पर फायर कर देता है और लंबा जैक नीचे गिर जाता है। वो तीनों फिर सोचते हैं कि शायद लंबा जैक मर गया है और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी लंबा जैक उठ जाता है, लेकिन इस बार डॉक्टर पीटर की गन के बजाय सिरप से उस पर अटैक करने की सोचता है, पर सही टाइम पे सिरप का पैकेट नहीं खुल पाता और लंबा जैक डॉक्टर को मार के नीचे गिरा देता है। इसके बाद फेथ एक गन उठा के लंबा जैक को मारने लगती है, पर लंबा जैक उसे उठा के कैबिन के अंदर फेंक देता है और वहाँ फेथ को एक सिरप का भरा हुआ ड्रम मिलता है। लंबा जैक डॉक्टर और रेजी को मारने वाला होता है, तभी उसके सामने फेथ आ जाती है और यहाँ पर एक बड़ा राज खोलती है। वो कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर ने ही तुम्हें मार के तुम्हारी रेसिपी चुराई थी। ये सुन के लंबा जैक डॉक्टर और रेजी को छोड़ के फेथ को मारने के लिए बढ़ता है, पर इस बार फेथ अपनी पूरी बॉडी पे सिरप लगा के आई थी और वो लंबा जैक को पकड़ लेती है और सिरप की वजह से लंबा जैक मरने लगता है। वो लंबा जैक को तब तक नहीं छोड़ती जब तक लंबा जैक मर नहीं जाता, और लंबा जैक के मरने के बाद वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो कैबिन ब्लास्ट हो जाता है और लंबा जैक के चिथड़े उड़ जाते हैं। उसके बाद फेथ, रेजी, डॉक्टर और साथ में स्पेक्टर लुआन सब सही सलामत घर आ जाते हैं और मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, लास्ट में हमें पता लगता है कि फेथ और कोई नहीं जेडी जैक्सन की ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर थी और फाइनली वो ही लंबा जैक को मारती है। तो फ्रेंड्स, मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।